नमस्कार उत्कल प्रदेश को स्वागत करछि मु पल्लवी प्रथमे हेडलाइंस बीईओ को बदली दाबी रे शिक्षक शिक्षयत्री धारणा पहुंचिला तृतीय दिन रे बीईओ बारंबार बटी आदेय करथिबार अभिजोग करथिले मध्य एथि प्रति कोनोसी पदक्षेप ग्रहण करा जाउ नहीं। अभिषेक पालटिला प्रेम विवाह झियर आखे सामना रे ता मां को पेट्रोल ढाई निया लगाइले सासुघर लोके। महिला सशक्तिकरण को दृढ़ करने पिठा योजना सरकार का एक अभिनव प्रयास। आसंतु नजर पकाइबा संपूर्ण खबर उपरे। बीईओ बदली दाबी में मयूरभंज जिला ठाकुरमुंडा ब्लॉक बीईओ ऑफिस सम्मुखें शिक्षक शिक्षयित्री मानक आंदोलन तृतीय दिन में पहुंची सेठे कौन विभाग उच्च कर्तृपक्ष आसी नथिबार देखा मिली। ए विषय में विभाग अधिकारी लिखित भाव जन एजाए कौन पदक्षेप नि मयूरभंज जिला ठाकुरमुंडा ब्लॉक बीईओ ऑफिस सम्मुखें शिक्षक शिक्षयित्री माने बीईओ बदली दाबी रे धारणा आज तृतीय दिन में पहुंचा बेले कौनसी विभागीय उच्च कर्तृपक्ष आसी नथिबार देखा मिली। ए विषय में विभागीय अधिकारी गत 12 तारीख लिखित भाव जनवास आंदोलन में बसी कौनसी प्रशासन अधिकारी घटनास्थल को न आसवा अत्यंत दुखर विषय। ठाकुरमुंडा अंचल शिक्षा व्यवस्था संपूर्ण ठप हो बीईओ अभिमन्यु सेठी प्रत्येक स्कूल को मॉनिटरिंग नाम बारंबार जा मध्यस्थी जरिया बटी आदाय करोध कले अशालीन भाषा गाड़ी गुलज करने धमक दे शिक्षक शिक्षयित्री मैंने अभियोग कर लज्जाजनक कथा। ये प्रशासन तीन दिन है शिक्षक मैंने सारा ठाकुरमुंडा ब्लक शिक्षक शिक्षयित्री मैंने अच्छा किंतु तीन दिन है विभाग अधिकारी मैंने देखा देना इवन वीडियो हो सब कलेक्टर हो जे उपरस्थ कर्मचारी कहीं कह रहे देखा ना ये गोटे शासन कल टोटाली फुसुटी पड़ा बर्तमान ओडिशार जो बीजेडी सरकार नवीन पटनायक सरकार या बर्तमान अवस्था जहाँ ये आदिवासी अधूषित ठाकुरमुंडा ब्लॉक बोली अवहेला करद ना स्कूल पिलामानंकर पाठपढ़ा बंद हलानी शिक्षक माने तीन दिन हलानी धारणा रे बसचंती ए की अवस्था हलानी एठी ठाकुरमुंडा अंचल रे आमे समस्त काली पंचायत समितिर मेंबर सरपंच पीएस मेंबर सरपंच समस्त उपस्थित थिलु एक्सेप्ट चेयरमैन समस्त आमे समर्थन करूचु पूर्ण समर्थन करूचु ए ब्यूरो निश्चित बदली होगा दरकार तार जो असाइन व्यवहार दुर्व्यवहार जो करूचे शिक्षक मान प्रति आ विभिन्न जगार भी आम प्रथम जितेबाला जॉइन कले दी दिन भितरे आमर आदर्श विद्यालय जो दिग्धर अच्छी से को परिदर्शन करने जाते से दुर्व्यवहार करें आम के देख लु प्रथम थर आकु सांत्वना दे के ऑफिसर मैंने रखीदी तेणु तार बारंबार आठ मास जो प्रकार गाँव में गाँ गहल लोक मान लोकप्रतिनिधि आम लोक मान सहित जितेबाला आम मिशुचु ये सबू अव्यवस्था दुर्व्यवहार समस्त मुहर अच्छी लज्जाजनक था इमीडिएटली तार बदली होगा दरकार कारण एटी जेहेतु सरकार बंची ना मृत अवस्था अच्छी ये अति लज्जाजनक कथा। यह आंदोलन को स्थानीय नेता एवं पूर्वतन विधायक करंजिया पद्मचरण हाइबुरु आंदोलनकारी शिक्षक शिक्षयित्री मैंने समर्थन जनवा सह शिक्षक संघर दाबी को यथाशीघ्र विचार करने ठाकुरमुंडा अंचल शिक्षार व्यवस्था को सुधार आने दिगरे प्रशासन को चेतावनी देखते तेज ठाकुरमुंडा ब्लक समस्त सरकारी स्कूल आज बंद थी देखा मिली। आमर ये राली कर उद्देश्य बीओ कि बदली जातु कहीं जो अत्याचार आम आचर मैंने कहीं शोला भाया अक्षम हो गल ये मुझे मैंने बाउंस पा जहाँ मुझे कथा कह आमर दीदी पाई बाउंस पाणी तक जो रिपोर्ट नहीं आसते दीदी आलिकेसन जी सी कौन कर मो इनक्वारी जा गिरीश महांत आओ जाना जगदीश महांत आ सत्यनारायण दास बड़ बाबू जी क्लर्क सी जा आम स्कूल को किंतु हेड दीदी आम विश्वकल्पना जेना विरुद्ध न किसी स्टेप न नहींक सी मो स्टेप को लेकिन मत सस्पेंड कर दिगला बिना कारण मुझे मो आसीस्टाट टीचर कि बिना कारण मत सस्पेंड कर दिगला ता छदिन पुणी बिना कारण रिइनस्टेट कराला कौन पाई कौ कारण से आम जानते चाहू तेने मुझे उदाहरण मुझे इमित कर मुख्य दाबी होमर कमी बदल बीओ
करंजिया दिलीप कुमार महंतों रिपोर्ट मेट्रो टीवी। हीराकुद्र भीएसएस कॉलोनी रे घटी एक हृदय विदारक घटना। अत्यंत निर्दय भावे तीन वर्षर कुनी झियो सामनारे तार माँ को अति निर्मम भावे पेट्रोल ढाली निया लगाई जीवंत जाळीदेले परिवार लोके। घटनार तदंत परे प्रकृत रहस्य पदाकु आसी पारिबो। हीराकुद सहरर भीएसएस कॉलोनी रे घटी एक हृदय विदारक घटना। बहु को निया लगाई जीवंत जाळीदेले परिवार लोके। भीएसएस नगर कॉलोनी रो रघुनाथ नायकों बहु ज्योतिर्मयी को उपरे घटिथला एभले अमानुषिक कार्य। समय दिन 3:45 रघुनाथ का प्रथम महला अधर्निमित छात घर बाहरी धूआ आउ शुभुला जड़े महिलांकर चित्कार शब्द। तीन वर्षर कुनी झीर सामने माँ को बांधि पाटी कना दे निज हाथ में निर्मम भाव पेट्रोल ढाले निआ लगे परिवार लोके। घटना विषय पाख पड़ोशी जानिबा परे घर को जाई जीवंत अवस्था रे बहु को उद्धार करथिले और संगे संगे बुला मेडिकल को पठाइथिले। सेते बेळकु ज्योतिर्मय को शरीर प्राय 90 भाग पड़ी जाइथिला। डाक्तरखाना रे जीवन सहित संघर्ष करछुंती ज्योतिर्मयी। घटना विषय थाना रे लिखित अभियोग करा जाइथिला। तबे प्राथमिक तदंतरु जणा पड़िछि हीराकुद सहर में रहुथिबा कृष्णचंद्र शतपथी झियो ज्योतिर्मयी स्थानीय भीएसएस कॉलोनी रघुनाथ पुओ स्मृतिरंजन नायक को 2009 मसीह प्रेम बहुत करते कोर्टे उभयों मध्य जाति प्रथा अलग थवर ज्योतिर्मयी बापघर द्वार बंद हो जाता। हेले कहीं भलपाई बहुत करजर स्त्री को यह निर्मम भाव निआ लगला स्वामी। घटनार तदंत पर प्रकृत रहस्य पदाकु आसपार। तबे निज आखि आगे घटी समस्त घटना बयान कर ज्योतिर्मयी को 3 वर्षर झियो। बाबा निजे मान तु देख बापा मान बापा कौन थे संबलपुर भूपेन साहू का रिपोर्ट मेट्रो टीवी। बरगढ़ जिला विजयपुर ब्लॉक भटिंगा पंचायत रे महिला सशक्तिकरण को दृढ़ करने पारंपरिक खाद्य और लोक संस्कृति को बचाई रखा राज्य सरकार पिठा कार्यक्रम एक अभिनव प्रयास।
ଏହାକୁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମାନିନୀ ଭୋଇ ଓ ବିଡିଓ ପଦ୍ମନାଭ ସାମନ୍ତରାୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପୁର ବ୍ଲକ ଭଟିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ଆମ ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମାନିନୀ ଭୋଇ ଓ ବିଡିଓ ପଦ୍ମନାଭ ସାମନ୍ତରାୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବା ସହ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭଟିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ଶତାଧିକ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପକ୍ଷରୁ ପିଠା ମଡ଼ା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ 25 ଜଣ ବୃଦ୍ଧାବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଓ 66 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ 9,90,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମର ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ତା ଆଗରୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମର ବ୍ଲକରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ହେଇପାରିଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି ସେ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଥିଲାଗି ଆଜି ଏଇ ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଅଛି ଲୋକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସେ ସବୁ ତାମାନେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପଠେଇଛନ୍। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ହେଇପାରୁଛନ୍। ତ ସେଥିଲାଗି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମୁଁ ଆମର ବିଜେପୁର ଅଞ୍ଚଳ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏଇ ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଯେଉଁ 80 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭତ୍ତା ସାଂକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଇ ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କରି ଏକାଠି କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ପିଠା ପ୍ରୋଗ୍ରାମକେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ ଦେଉଛନ୍, ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଯୋଜନା ମାନେ ପଠେଇ ଦେଉଛନ୍। ସେଇ ଯୋଜନା ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବାର ଲାଗି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ମହିଳାମାନେ ଏକାଠି ହେଇକରି ଆମେ ସବୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଛୁ। ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେଥିଲାଗି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅଛି ମାତୃଗର୍ଭରୁ ମଶାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, ଜରାୟୁ ଜୁଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 40 ଯୋଜନା ଅଛି, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 40 ଯୋଜନା ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ମାତୃମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନା ହେଉ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ହେଉ, ସେ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ଯୋଜନା ହେଉ, ଅତି ଏବେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯୋଜନା ହେଇଛି କାଳିଆ ଯୋଜନା ହେଉ, ସୁନେତ୍ର ଯୋଜନା ହେଉ, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ହେଉ, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଜନାଟା ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିଜେ ପରଖୁ, ସେଇଟା ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିଜେ ଜାଣୁ ତା ପାଖରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ପହଞ୍ଚୁଛି ନା। ତେଣୁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି କି ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଖକୁ ସବୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି କ୍ୟାମ୍ପ କରନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିଜେ ତାକୁ ପରଖୁ, ସେ ତାର ସୁବିଧାଟା ପାଉଛି ନା ପାଉନି। ଏଇ ଗୋଟେ ସଚେତନତାଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଯେମିତି ପ୍ରତି ଗାଁରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଚେତନତାଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିବ। ପ୍ରଶାସନ, ସରକାରୀ କଳ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଧାରାରେ ଚାଲିଲେ ପ୍ରଶାସନର ସୁଫଳ ମିଳିପାରିବ। ଯେଉଁଟା ସୁଶାସନ, ଯେଉଁଟା ରାମରାଜ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ସୁଶାସନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବରଗଡ଼ରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସହରର ଶ୍ୟାମଜୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥ ପଡ଼ିଆରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଓବିସି ମହାସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମକୃପାଳ ଯାଦବ ଓ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସହରର ଶ୍ୟାମଜୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟ ପଡ଼ିଆରେ ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଓବିସି ମହାସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମକୃପାଳ ଯାଦବ ଓ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗଦେଇ 90 ଦଶକରେ ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ଲାଗୁ ପରେ ମଧ୍ୟ 11% ଲାଗୁ ପରେ ମଧ୍ୟ 11% ଓବିସିମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଇପାରିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଦି ସରକାର ଏହି କମିଶନ ଗଢ଼ିସାରିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓବିସିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯିବ।
25-30 କେନ୍ଦ୍ରରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ଗଢ଼ିପାରିନଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ 1,11,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। 34,669,00,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। बुलाए हैं ये ओबीसी वर्ग में जितने भी आते हैं लोग, जैसे अघरिया हो, मेहर हो, सबको बुला रहे हैं और इनके डेवलपमेंट के लिए हम मोदी जी के जो नीति नियम हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। जैसे इनके जो जॉब रिजर्वेशन के लिए भी अभी मोदी जी ने 10% जिन लोग की आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है तो उनके लिए 10% जॉब रिजर्वेशन दिया है, वो एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। तो वैसे ही अनेक योजनाएं हैं ये ओबीसी वर्ग को सपोर्ट करने को। देखिए ये अभी शुरुआत है और हर चीज़ तो रिजर्व हो नहीं सकती है, क्योंकि अभी एससी एसटी लोगों के लिए भी रिजर्वेशन है और ये जो 10% रिजर्वेशन है दिस इज़ फॉर एवरीबडी, इट बेस्ड ऑन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जिनका इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छा नहीं है उन दे कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस। तो सरकार राफेल किणीमार निष्पत्ति करला और साहसिक सह राफेल आज भारतीय नौसेना वायुसेनार अंश है। यार जो प्रतिजोगी कंपनी थिला यूरोफाइटर, यूरोफाइटर रो दलाली करुवा किसी बंधु मिसेल जी एवं धरा पड़ कि भारत आसी जहाँ को भारत सरकार बांधिक अगस्टा हेलिकॉप्टर रो दुर्नीति, यूरोफाइटर रो दलाली दुर्नीति से निजे स्वीकार कर सारे। आश्चर्यजनक भाव मु तो केबे देखिनी बलांगीर सांसद एठिकार पलायन प्रश्न उठेबार, एठिकार रोजगार पर प्रश्न उठेबार, एठिकार ग्रामांचल को मुंदे पीवा पानी मिलू से प्रश्न उठेबार केबे मु देखि नै। प्रश्न उठाउथले काहे कि यूरोफाइटर किणा नगला से महाशय को आमर प्रश्न बलांगीर रे पीवा पानी महत्व, रोजगार महत्व, घर महत्व, जमी पट्टा महत्व ना दुर्नीति करुवा यूरोफाइटर तार मिसेल मामार भोजीटा महत्व, ये कथा को एठिकार सांसद को जवाब देवा पई पड़िबो। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନରେ ଆଗରୁ 10% ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇଖାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାବେଳେ ଏବେ 80% ଲୋକ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ 24,00,000 ପରିବାରକୁ ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ କରାଯାଇଛି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାକୁ ନବୀନ ସରକାର ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ 5,00,000 ହରାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ମୋଦି ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର ଅଛି, ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଆଉଥରେ କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା କେଭି ସିଂ ଦେବ, ପୂର୍ବ ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା ଦେବୀ, ଅନ୍ୟ ବିଜେପି ପଦପଦିକାରୀ ଓ ଓବିସି ବର୍ଗର ନେତୃବୃନ୍ଦ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। 2 ଜିଲ୍ଲାରୁ 10,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। आज यहाँ कांटावांजी के स्थानीय श्याम मंदिर पड़िया में ओबीसी महासम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें 2 जिला बलांगीर और कालाहांडी के विधानसभा के समस्त हमारे कार्यकर्ता एवं समर्थक उपस्थित थे। ये कार्यक्रम में मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव जी, हमारे उड़ीसा के माटीपुत्र केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, पटना महाराज केवी सिंहदेव जी, पटना महारानी संगीता सिंहदेव जी एवं हमारे पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट माननीय बसंत पंडा जी उपस्थित रहे, जिन्होंने आगामी समय में चुनाव को लेकर हमें बहुत सारी बातें बताई और यहाँ पे एक पिछड़ा वर्ग को संबोधित किया कि आने वाले समय में हम एकत्र होकर नरेंद्र मोदी को फिर एक बार, जो उनका कुशल नेतृत्व है, जो उनका शासन का प्रक्रिया है, जो वो गरीब पिछड़े लोगों के लिए जो कार्य कर रहे हैं उनका बारे में विचार करते हुए हम मोदी सरकार को एक और बार भारत सरकार के रूप में देखना चाहते हैं और सबसे समर्थन का आह्वान। मगर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि भारत की सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है काम के लिए, विकास के लिए, नवीन बाबू अड़ंगा डालने का काम कर रहे हैं। पूरे 4.5 साल के दरमियान भारत की सरकार की जो विभिन्न योजनाएं गई है इससे विकास का काम होता उसमें अड़चन पैदा करने का, आपको पता है ना कि आयुष्मान भारत यहाँ लागू नहीं किया गया। मैं पूछना चाहता हूँ आप बताइए नवीन बाबू क्यों नहीं आयुष्मान भारत यहाँ लागू करने का काम किया? क्या यहाँ गरीब नहीं है?
कई ऐसे गरीब है, मैंने उड़ीसा को करीब से देखा है, गांव को देखा है, गरीब को देखा है, जिनको सरकार बोल रहे जिनको खाने के लिए पैसा नहीं है, इलाज के कहां पैसा होगा, उसकी व्यवस्था क्या, 5 लाख रुपए तक मुफ्त में इलाज, मगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मनरेगा में महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, 60,000 करोड़ रुपये की राशि है कि गांव के लोग गांव में रहें, वहीं मजदूरी करें, गांव से पलायन न करें, उसकी व्यवस्था हमारा डिपार्टमेंट करने का काम किया है और उसको भी इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं कर रहे हैं। ये विकास विरोधी और गरीब विरोधी यहाँ की सरकार है। मनरेगा में क्या दिक्कत है? मनरेगा में दिक्कत यह है कि हम जो पैसा देते हैं वो खर्च नहीं हो रहा है, और खर्च भी हो रहा है तो लूट हो रहा है, कमीशन खोरी हो रही है, कागज पर हो रहा है। कंटावंजीरू मोहन सोनी का रिपोर्ट, मेट्रो टीवी। उत्कल प्रदेश को एठी रखुछु, अधिक खबर जानिबा पई लॉगिन करंतु हमर वेबसाइट www.metrotvbureau.com। रहुछु, नमस्कार।